नमस्कार, मैं प्रसाद नायडू, न्यूज़ पोस्ट 21 की ओर से। आज हमारे बीच ओबी अन्य पिछड़ा वर्ग समाज से कुछ पदाधिकारी लोग बैठे हैं, जिनमें से तरुण सिंह भाकड़ जी जगदलपुर बस्तर जिला के अध्यक्ष हैं, साथ में देवलाल सोनवानी जी, ये जिला महासचिव हैं कोंडागांव से, फूलचंद दीवान जी अध्यक्ष हैं कोंडागांव के, और संतोष ताहू जी जिला संरक्षक हैं कोंडागांव से। तो आज हमको एक पॉम्पलेट मिला सर, ये पॉम्पलेट आप लोग के द्वारा छपाया गया। हाँ, तो मैं सवाल पूछने से पहले मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसके प्रति मतलब आप लोगों का क्या है, ये जो रैली निकालने की बात चल रही है लालबाग मैदान में, तो आप लोगों का इसके लिए पहले क्या कहना है? हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के नेतृत्व में संभागीय स्तर पे हमारे बस्तर जिला जगदलपुर लालबाग मैदान में महासम्मेलन आयोजन 3 तारीख को करने जा रहे हैं। हमारी पिछड़ा वर्ग समाज के लिए जो अधिकार मिलना है वो अधिकार हम लोग को नहीं मिल रहा है, इसी विषय पे हम लोग पिछड़ा वर्ग पूरा बस्तर संभाग से महासम्मेलन करके हमारा अधिकार हम अपना मांग कर रहे हैं सरकार से। हमारा अधिकार 27% जो है अभी तक हम लोग को नहीं मिल रहा है, या बच्चों का पढ़ाई हो या कोई सरकारी नौकरी हो, किसी चीज में या पंचायत स्तर पे भी कोई पंच भी लड़ना होगा तो हमको 27% का अधिकार से हमारा समाज वंचित है। हम कई बार सरकार से आह्वान किए, जैसे हमारे कोंडागांव जिला के दादा फूलचंद दीवान जी जिला अध्यक्ष स्वयं हैं, कोंडागांव में भी इनके नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन हुआ। तो हम लोग सभी जगह इसको करते आ रहे हैं और हमारा जो अधिकार को सरकार हमको नहीं देना चाहती है कि ये हमारा समाज इससे बहुत दुखी है। तो अब हम नॉर्मल वार्तालाप करते हैं, जैसे आप लोग 12 पॉइंट्स में अपनी मांग रख रहे हैं, प्रमुख मांगें लिख रहे हैं इसको, और भी इनके अलावा भी हो सकती हैं, इसमें भी आपका जैसे आपने कहा कि 27% जो आरक्षण मिलना चाहिए, ये आपका वन ऑफ द मेन सबसे प्रमुख मांग है। मेरी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी अखिलेश धोनी जी से, वो भाजपा के शायद प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था, उनसे भी बाइट ली थी, तो उन्होंने कहा कि सेंटर की तरफ से तो ये लागू हो गया है। हाँ, मैं उसको कहना चाहता हूँ, मान लो सेंटर की ओर से लागू हुआ है, पूर्व 15 वर्ष शासनकाल इस बीजेपी की सरकार ने रहा तो उन्होंने भी 27% पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, ना ही आश्वासन दिया। हमारी पैदल रैली 2013 को चला बस्तर संभाग में, नहीं वो तो पुरानी बात हो गई, ये तो अभी अभी की बात है मेरे ख्याल से, है ना, जो लागू हुआ मेरे ख्याल से साल एक भर पहले लागू हुआ है। हाँ हाँ, तो हम कोई वो पहले भी इस सरकार को पैदल यात्रा के माध्यम से बताए, पूर्व की सरकार जी, वर्तमान में भी हमने यही बात को रख रहे हैं कि 27% आरक्षण जो केंद्र के द्वारा निर्धारित है, जो मंडल कमीशन रिपोर्ट के आधार पर, उसको तत्काल लागू किया जाए। और केंद्र में भी हमारे आबादी की आधार पर जनगणना करवाया जाए, ये भी हम केंद्र सरकार को भी कहते हैं, राज्य सरकार को भी कहते हैं। कुत्ता बिल्ली इत्यादि जितना का भी पशु पक्षी का गिनती होती है, ओबीसी की गणना आज तक नहीं हुई है, ये ओबीसी समाज के लिए हम ललकारने की बात है। और इसलिए हम संगठित होकर हम अपने समाज का नेतृत्व करने का काम किए हैं, जो भी सरकार हमारी बातों को मानेगा तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अब ओबीसी समाज जाग चुका है और अपने आरक्षण के प्रति चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों को हम बताने का काम करेंगे। चलिए, 27% वाला तो समझ में आ रहा है, केंद्र की तरफ से पारित हुआ है, आप चाह रहे हैं कि राज्य सरकार भी इसको पारित करे, ठीक है, आपकी मांग जो भी हो वो तो सरकार समझे।
और भी इसमें अन्य आपके बहुत सारे मुझे मांग दिख रहे हैं। एक मांग जो मुझे समझ में नहीं आया, पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर तथा नॉन क्रीमी लेयर कर बाध्यता का तत्काल समाप्त किया जावे, मतलब इसमें क्या, जैसे नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, जो लोग सक्षम हैं, जो पैसे से सक्षम हैं, धनाढ्य हैं, या फिर जिनके पालन पोषण करने वाले पेरेंट्स जो हैं, वो अगर अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो क्या, मतलब मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ, ऐसे समाज के तौर पे नहीं पूछ रहा, मैं पर्सनली आपसे पूछ रहा हूँ सर जी। आज की महंगाई इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है सर, इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और आज जो शिक्षा कर्मी लगभग रिटायर के में पहुंच चुके हैं, और रिटायर में ही उनका वेतन बढ़ चुका है, आज 2-3 साल उनका क्या आय हो गया है, 8-7 लाख की आय है। और हम ये नहीं कहते कि क्रिमिनल लेयर ना लाया जाए, सबके लिए समान लाया जाए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे ओबीसी के लिए ही क्रिमिनल लेयर क्यों लाया गया है, है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि क्रिमिनल लेयर मुक्त हो, और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं या अन्य व्यवसायी हैं, आज के महंगाई के ज़माना में 7 लाख कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए क्रिमिनल लेयर हटाया जाए, समानता हो। अब तीसरा जो सबसे पहले एक्चुअली आप लोगों ने पॉइंट लिखा है कि बस्तर व सरगुजा संभाग में 5वीं अनुसूची में स्थानीय पिछड़ा वर्ग के मूल निवासियों को भागीदारी दी जाए, इसके लिए मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बस्तर के मूल निवासी किस बेसिस पे माना जाए, मतलब मूल निवासी जो सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे मैं भी यहाँ का मूल निवासी हूँ, मेरे पास भी मूल निवासी प्रमाण पत्र है, तो आपके अनुसार ये अगर शामिल करना है 5वीं अनुसूची में, तो पहला सवाल मूल निवासी कौन होगा, किसको मानेंगे मूल निवासी? हम लोग तो यहाँ के स्थायी लोकल हैं, और हमारे जितने भी पिछड़ा वर्ग भाई हैं, अभी सरकार खुद ही बोल रहा है कि 75 साल के बाद आप मूल निवासी हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हम उसको ये बोल रहे हैं, हम जब 5 साल से यहाँ बैठे हैं, सरकार उसको वोट देने के लिए मूल निवासी बनाता है, लेकिन अधिकार में नहीं देता है, तो ये हम चाह रहे हैं उसको उसका अधिकार भी मिले, खाली वोट तक सीमित न रहे। वैसा तो हमारा 32 का रिकॉर्ड निकालते हैं, तो हर किसी के पास 32 का रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई भाई कहीं से भी आता है, या फिर उस परिवार के कहीं दूसरे जगह भी जाके बैठता है, अगर उसमें कहीं सर्विस करने भी जाता है, कहीं व्यापार करने जाता है, तो उसको 5 साल होने के बाद उसको उसका अधिकार नहीं मिलता, उसको मात्र एक अधिकार मिलता है वोट देने का, तो ये अधिकार समानता मिले, सबको बराबर मिले, और इसको 5 साल तक, 5 साल से लागू करना चाहिए, ये हमारा मांग है। तो मतलब चलिए सभी मूल निवासी हो गए जी, सभी मूल निवासी। ये मुझे समझाएं कि 5वीं अनुसूची में शामिल होने का मतलब, ये कई बार ऐसे में तो ये होगा कि जितने ओबीसी हैं वो सभी शेड्यूल ट्राइब हो जाएंगे, अंतर क्या रह जाएगा ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब में? हाँ, ये बात आपका सही है सर, कि हम इसमें अंतर इसीलिए नहीं मान रहे हैं कि 1949 की गजट में भी ये आया था, पहले बस्तर रियासत के नाम पे चला था जी। तो बस्तर रियासत में भी आदिकाल से जो बस्तर रियासत क्षेत्र में है वो सभी आदिवासी जी। उसके बाद सरकार कानून समय समय पे परिवर्तन हो गया, उसको हम भी स्वीकार कर रहे हैं, मानते हैं, लेकिन हम लोग भी आदिकाल से हैं, ठीक है, आज हम पिछड़ा वर्ग में आते हैं, लेकिन जो ये जो अनुसूचित जो 5 है, इसमें शामिल होने से हमारे जो बच्चों का भी जो भविष्य उज्जवल होता, जो आज एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, हम भी आपके मीडिया से माध्यम से हमको पता चला कि यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में 300 पोस्ट का पटवारी का भर्ती निकला, उसमें ओबीसी का एक भी पोस्ट नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में कई जगह निकला, उसमें ओबीसी का एक भी पोस्ट नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा दुखद है, ये इसीलिए अब आने वाले हमारे नया पीढ़ी को हम क्या दें, ये सब चिंता का विषय है, सरकार सबके लिए बराबर चिंता करे, सबके लिए बराबर विकास करे, हमको ना किसी चीज का हमारा कोई विरोध नहीं है, हम बस उसमें समर्थन में है, बस हमको भागीदारी लेके साथ में चलें, क्योंकि हम लोग एक स्थान पे रह के एक गुड़ी का पूजा पाठ करते हैं, एक साथ बैठ के त्यौहार बनाते हैं, इसीलिए हम एक साथ रहना चाहते हैं, हमको सरकार भाग भाग करना चाहती, हम नहीं होना चाहते, ना हमको आदिवासी भाई नहीं बोले कि आप अलग रहो, ना हम बोल रहे हैं, हम एक गांव में सभी सर्व समाज के लोग रहते हैं और एक साथ रहते हैं, साथ में रहते हैं, हमारा दुख सुख
हमारा खान पान, हमारा देवभूत सब एक समान है, इसीलिए हम एक साथ रहना चाहते हैं, हम भिन्न भिन्न रहना नहीं चाहते। हम सरकार से हमारे तरफ से ओबीसी समाज के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं और एक बार अनुरोध करता हूँ और मांग करता हूँ कि हमको साथ साथ लेके चले, सब एक साथ रहें, इसमें हमको भिन्न भिन्न ना करें। एक बड़ा अच्छा मुझको आप लोगों का पॉइंट लगा, जबकि ये पॉइंट मेरे हिसाब से सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि बाकी जो पॉइंट है ये चर्चा का विषय हो सकता है, जैसे आपकी मांग पांचवी अनुसूची में शामिल होना जरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कानून व्यवस्था पे ठेस वो लगेगा और सामाजिक व्यवस्था पे इसके सोचना पड़ेगा। लेकिन एक जो मांग है इस बात को मैं तो बोलना चाह रहा हूँ सर, आप इस बात को बोले कि वाकई में ठेस पहुंचेगा, लेकिन सरकार चाहेगी तो करेगी, क्यों आप बताइए। अभी हम सरकार का वाकई में स्वागत करते हैं, अभी आपका शिक्षकों को जो पुराना पेंशन बहाल की राज्य सरकार की है, तो ये भी राज्य सरकार का करने का अधिकार अगर चाहेगी तो, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं ना सब कि आप कहाँ छुपाओगे, ये तो सीधा अपने पास पूरा कागज। मैं यही कह रहा हूँ, ये एक्चुअली जो ट्राइबल वाला जो वो है वो एक्चुअली राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता, वो पूरा सेंटर से कमीशन बनेगा, उस पर सर्वे होगा, सब होगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं पॉइंट पे हम ज्यादा, क्योंकि आपकी डिमांड है, हमारा काम है आपकी डिमांड, आपकी मांग को सरकार तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, हम पहुंचा देंगे, बिना काटे बिना छाटे हम पहुंचा देंगे। आपका एक मांग और था, 12वें नंबर पे आप लोगों ने लिखा है, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत 3 वर्ष तक निरंतर दैनिक वेतन भोगी पद पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जावे। ये मांग बहुत अच्छी है जी। एक मुझमें ये संशय था इसमें, केवल पिछड़ा वर्ग के ये मांग है कि सभी के लिए? सभी वर्ग के लिए है। इसमें हम लोग कर्मचारी भाई हमारे से जुड़े हैं, सभी समाज से जुड़े हैं जी, क्योंकि हम लोग एक देखिए एक समाज से समाज सेवक के रूप में जुड़े हैं और सभी समाज के साथ हम लोग मिल के चलते हैं, तो ये सभी समाज के लिए, एक को लागू होगा तो सभी समाज के लिए लागू होगा, इसमें हम लोग बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे, ये सब समाज के लिए है और सब कर्मचारी भाइयों हित के लिए है, इसको सरकार को किसी भी वर्ण विषय का हो उससे फर्क नहीं पड़ता उससे हमको, क्योंकि मेरी जानकारी में ये तो आप लोगों ने लिखा है दैनिक वेतन प्राप्त करने वालों के लिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है छत्तीसगढ़ में आज भी हजारों लाखों की संख्या में संविदा नियुक्ति में लोग हैं और 10-10 साल से उस पद पे काम कर रहे हैं, 10-10 साल से कर रहे हैं है ना, और 10 साल हो गए आज भी वो परमानेंट नहीं हुए। और आगे सर हमारा जो बस्तर में एक अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण हमारा जो विधायक सांसद बनते हैं अनुसूचित जनजाति के बनते हैं, हम उनका भारी मतों से उनको विजयी बनाते हैं चाहे जिस पार्टी से भी, लेकिन हमारा एक इस ओबीसी का एक प्रमुख मांग है, जो राज्यसभा या जो बोर्ड का अध्यक्ष निगम होते हैं उसमें भी बस्तर संभाग को नेतृत्व मिलना चाहिए, राज्यसभा से हमारे बस्तर के ओबीसी भाइयों को नेतृत्व करने का मौका मिले, ताकि हमारे ओबीसी की दुख दर्द को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि बस्तर एक अलग पहचान की है और ओबीसी ज़्यादा बाहुल्य है, ये अनुसूचित जनजाति के बाद हमारा ओबीसी बाहुल्य है, तो राज्यसभा का भी 2 सीट अभी खाली होने वाला है, तो उस पर बस्तर से पहली प्राथमिकता मिलना चाहिए, ये हमारे भी मांग है। तो देवलाल जी इसमें मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपके बातों में तो द्वंद है जी, एक तरफ आप मांग करते हैं कि हमें पांचवी अनुसूची में शामिल करें जी, हमारा देवगुड़ी एक है, हमारी पूजा पद्धति एक है, हम सब साथ रहना चाहते हैं, तो आप ही के समाज से हैं, अगर आप लोग अंतर नहीं समझते हैं तो दीपक बैज जी आप ही के समाज से यहाँ से सांसद हैं। हाँ नहीं हम एमपी हैं, नहीं हम स्वागत करते हैं, हम तो वही बोल रहे हैं कि एसटी के बाद हमारा सेकंड पोजीशन ओबीसी की संख्या है, हमारा नेतृत्व राज्यसभा जिस तरह से यही तो पूछना चाह रहा हूँ ना, हमारे ओबीसी समाज के यदि राज्यसभा का टिकट मिलता है, अगर आप पांचवी अनुसूची में शामिल होते हैं इसका मतलब आप और वो एक है, एक है आप, नहीं आप लोग का मानना है अभी शामिल नहीं हुए फिर भी आपका मानना है हम एक है, हमारी देवगुड़ी एक है, पूजा पद्धति एक है, तो वो तो आपके रिप्रेजेंटेटिव हो गए ना, हम आज तक तो हम मान ही रहे हैं ना, आज तक मान ही रहे हैं अलग से, और हम अभी तो हमको शामिल जी, जब शामिल कर लेंगे तो फिर तो अलग है नहीं, एक हो जाएंगे, सरकार बांट रही है ना जी,
एक उनके यहाँ से सब्जी हम लाते थे, उनको सब्जी हम देते थे। ये नया नया कानून बना के हम लोग को फोड़ रहे हैं जी। एक ही मोहल्ला में रहते थे, अभी उन ऐसा एक ठोका भी कानून बनने वाला था, उनके बच्चे के साथ हमारा बच्चा नहीं खेल सकते, ऐसा भी एक ठो बनने वाला था कुछ दिन पहले। चलिए ये तो रही बातें, जो भी हो 3 अप्रैल 2022 रविवार को आप लोग लाल बाग मैदान में केवल रैली है कि जमघट है, मतलब लोग आएंगे? सभा है, रैली नहीं है, सभा रहेगा। इसके पूर्व हम कोंडागांव में भी विशाल रैली किए थे, उससे चारामा में विशाल रैली किए थे और भानुप्रता में भी हम विशाल रैली किए थे। ये अब संभाग स्तर से सम्मेलन है, अपने ओबीसी की जो समस्या को लेकर एक आंदोलन के रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री को भी आमंत्रण दिए हैं, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और हमारे ओबीसी की जो भी बात है उन तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। इसके बाद भी यदि सरकार नहीं जगा तो फिर अगला रणनीति हमारा और आगे और रहेगा। हाँ, ये तो अब इलेक्शन का दौर आने वाला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप लोग, आप भाई, हमारा काम ही है आप लोग की बात आप तक, लोगों तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग समय निकाले हमसे मिलने आए, हमको मौका दिया आपसे बात करने का।